हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपकी पूजा सेठ। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये है इंगेजमेंट हेयर स्टाइल पर, और ये हेयर डू बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे होंगे, काफ़ी खूबसूरत हेयर स्टाइल लग रहा था ये, और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, बहुत कम समय में तैयार हो जाता है, और बिल्कुल कोई बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकलिटी नहीं है। तो आप इसे आराम से अपने क्लाइंट के ऊपर या जिसे भी आप इंगेजमेंट के लिए रेडी कर रहे हैं, या इस हेयर स्टाइल को आप किसी पार्टी में भी कर सकते हैं। आप सेल्फ से भी एक दो बार अगर इसे ट्राई करेंगे तो आप खुद के ऊपर भी इसे बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इस हेयर स्टाइल में मैंने बिल्कुल भी क्रिम्पिंग नहीं किया है, और जो इनका वर्जिन हेयर है मैंने उस पर ही ये स्टाइल किया है। तो बहुत ही इजी वे में अगर आप बिना क्रिम्पिंग के हेयर स्टाइल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे किस तरह से करना है। सबसे पहले आप पूरे बालों को अच्छे से सुलझा लेंगे, और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मेरी जो क्लाइंट है इनके हेयर्स काफ़ी लॉन्ग थे, तो मैंने बहुत अच्छे से पहले इसे कॉम किया है ताकि बाद में कोई ऐसे दिक्कत ना आए, क्योंकि बीच बीच में जब उसमें बाल फंसने लगते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तो पहले आप बहुत अच्छे से उसे सुलझा लें, एंड उसके बाद ईयर टू ईयर पार्टिंग करने के बाद मैंने पीछे के क्राउन सेक्शन से थोड़ा सा हेयर लिया है और उसे करूँगी बैक कॉम्बिंग। बैक कॉम्बिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको बनाना है पफ, और पफ आप थोड़ा हाइटेड बनाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें आगे बिल्कुल फ्लैट लुक दिया है, जिससे कि हमारी जो क्लाइंट है या हमारी जो मॉडल है या जिसे भी आप कर रहे हैं तो वो एक नेचुरल लुक में लगे। क्योंकि मैंने ये जो मेकअप शेयर किया था ये भी मैंने बिल्कुल इंगेजमेंट मेकअप नेचुरल लुक में शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जाके आप आराम से देख सकते हैं, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है पफ, और जो कि बिना किसी स्टफिंग के है, केवल इनके हेयर से ही मैंने बैक कॉम्बिंग की है और उसे ही स्टेबल करके पफ बना लिया है। आप देख लें जहाँ पे ऊंचा नीचा हो उसे आप बहुत अच्छे से सेट कर लेंगे, एंड उसके बाद इस पर आपको करना है स्प्रे, ताकि आपने जो भी पफ बनाया है वो बिल्कुल अपनी जगह पे रहे, वहाँ से डिस्टर्ब ना हो। तो आपको स्प्रेइंग करना बहुत ज़रूरी है, और जो भी हेयर्स आपके फॉल हेयर्स हैं उनको आप एक साइड में कर देंगे और बिल्कुल अच्छे से चिपका देंगे, ताकि ये बिल्कुल फिनिश लुक में दिखाई पड़े, और जो भी आपने हेयर स्टाइल करनी है वो बिल्कुल फिनिश दिखाई पड़े। तो इस तरह से मैंने इसमें ये कर लिया है, और उसके बाद पीछे के हेयर्स पे करनी है पोनी, और बहुत ज़्यादा इसे हाइटेड नहीं रखना है, इसे लो ही आप रखेंगे। पोनी का मतलब ये नहीं है कि आप इसे बहुत ज़्यादा हाइटेड लेंगे, आप थोड़ा सा लो में ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें करनी है स्टाइलिंग जो कि छोटी स्टाइल में रहेगी। एंड आगे के जो सेक्शन है उसमें मैंने साइड सेक्शन किया है, एंड उसके बाद इसे बिल्कुल फ्लैट लुक देते हुए कुछ नहीं करना है, हल्की सी ट्विस्टिंग करनी है और पीछे ले जाके इसे टक कर देना है। ध्यान रखिए, हेयर स्टाइल करते समय आप पिन से जितना अच्छे से सिक्योर करेंगे आपकी हेयर स्टाइल उतनी ही ज़्यादा स्टेइंग रहेगी। अदर साइड भी ऐसे ही आपको बिल्कुल फ्लैट लुक देना है, हल्की सी ट्विस्टिंग करनी है, एंड जितने भी फॉल हेयर्स हैं आपको इसमें लेना है, ताकि आपका हेयर स्टाइल बिल्कुल फिनिश दिखाई पड़े, और उसे आप अच्छे से सिक्योर कर देंगे बॉबिन की मदद से। अभी जो पीछे के हेयर्स थे और जो साइड साइड से हेयर्स मिले हैं, उन सभी को मिला के आपको बालों की तीन पार्टिंग करनी है। आप हेयर्स के हिसाब से, अपने क्लाइंट के हेयर के हिसाब से इसमें पार्टिंग बढ़ा भी सकते हैं, तीन की जगह आप चार या पांच भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने तीन सेक्शंस किए थे, जिसमें से बीच वाले सेक्शन को मैंने सबसे ज़्यादा हेयर लिया था, और अगल बगल के सेक्शंस को मैंने थोड़ा थोड़ा सा पतला लिया था, और इसमें सिंपली मैंने चोटी किया है, और चोटी करते टाइम में आपको थोड़ा थोड़ा सा खींच खींच के हेयर्स को बाहर की तरफ लाना, ताकि आपकी चोटी चौड़ी दिखाई पड़े, और अगल बगल के भी जो हेयर्स हैं उसे भी आपको ऐसे ही चोटी की तरह गूंथना है, लेकिन उसमें हेयर्स आपको इस तरह से नहीं निकालने हैं, उसके निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तो एकदम इन तक आप इसे इस तरह से गूंथ लेंगे, क्योंकि बाद में ये खुद से थोड़ा थोड़ा सा खुल जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है।
नीचे के हेयर्स वैसे भी खुले ही छोड़ने हैं, थोड़ा सा आप 3-4 इंच उसे ऐसे ही खुला ही छोड़ देंगे। एंड देखिए अदर साइड का हेयर मैंने छोटी किया और उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से खींच रही हूँ। इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा खींचना है जिससे कि इस तरह का लुक आए जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत ये हेयर स्टाइल लगता है। और आप देख भी रहे होंगे कितने सिंपल वे में है, आप चाहे तो खुद से भी अपने लिए आप तैयार कर सकते हैं किसी पार्टी में अगर आप जा रहे हैं या आप किसी को पार्टी के लिए रेडी कर रहे हैं, तो ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा हो सकता है, तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं। तो ऐसे ही तीनों पार्ट के जो हेयर्स हैं आपको उनकी इस तरह से चोटियाँ गूंथ लेनी है और इन में आपको छोड़ देना है, बिल्कुल एकदम इन तक आपको नहीं गूंथना है। और खींच खींच के हेयर्स आप जितने अच्छे से इसे बाहर करेंगे उतना ही अच्छा आपका ये हेयर स्टाइल दिखेगा। और अब आप देख रहे हैं कि मैंने नीचे से थोड़ा सा 1 इंच छोड़ के आपको हेयर्स उठाने हैं और उसे आपको सिक्योर करना है चूड़ा पिन से। ध्यान रखें आपको ये चोटियाँ थोड़ी थोड़ी सी उठा के ही ऊपर की तरफ आपको करना है ताकि आपने जो रबड़ लगाया हुआ वो दिखाई नहीं पड़े। और इन तीनों सेक्शंस को आपको इस तरह से ज्वाइंट कर देना है जूड़े पिन की मदद से, और नीचे तक आपको ज्वाइंट करने के बाद जो हेयर्स है उसको आपको थोड़ा थोड़ा सा खोल देना है। पीछे जो आपने इस तरह से अभी हेयर स्टाइलिंग की है उसको ओवरलैप करना है इस तरह के एसेसरीज से। आप चाहे तो फ्लावर्स भी लगा सकते हैं या आप कोई और भी एसेसरीज जो आपके पास अवेलेबल है आप उसे आसानी से लगा सकते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा खूबसूरत ये हेयर स्टाइल लग रहा था, कितना ज़्यादा सिंपल है, और बहुत आराम से आप इसे अपने क्लाइंट के ऊपर कर सकते हैं। बिल्कुल नेचुरल लुक में है जो कि इस मेकअप के साथ मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। और आई होप सो आप लोगों को भी आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, काफ़ी खूबसूरत लगा होगा। इसके बाद मैंने इसमें लगाई थी कुछ फ्लावर्स की छोटी छोटी सी, इस तरह से फ्लावर्स मैंने लगाए थे और जो कि पिंक शेड में था क्योंकि इनका गाउन भी पिंक कलर का था, तो मैंने इस तरह से बहुत छोटे छोटे से फ्लावर्स लगा दिए। जो फेक फ्लावर्स आते हैं ये वही फ्लावर्स है, और आपको इस तरह से लगाने के बाद आप देखेंगे कि हेयर का लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा और भी खूबसूरत लगने लगेगा। अभी आपने जो हेयर स्टाइलिंग की है तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत इस तरह से एक्सेसरीज लगाने के बाद लगने लग जाता है। तो ये आप चाहे तो कर सकते हैं या फिर आप नहीं भी कर सकते, ये स्किपेबल है, आप अपनी मर्ज़ी से इसे चाहे तो लगा भी सकते हैं। इसके बाद मैंने जो आगे में फ्लैट बिल्कुल लुक दिया था, जो कि आगे के हेयर्स को मैं दिया था, वहाँ पे मैंने लगाई है स्टोन, और ये आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि एक अलग सा लुक आपके हेयर स्टाइल को मिलेगा। तो ये आप ज़रूर लगाएं, और किसी भी हेयर स्टाइल में ये बहुत अच्छे से जाता है। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सोअर एंड सिंपल हेयर स्टाइल है, बहुत ही प्यारा लग रही थी हमारी मॉडल और इनका लुक काफ़ी प्यारा लग रहा था क्योंकि मैंने बिल्कुल नेचुरल लुक में दिया था इन्हें। तो आई होप सो आप लोगों को आज का ये हेयर स्टाइल काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।